बिस्मिल्ल रिम्स अल्लाम वरम वक्त आप सभी नाजरिन का मैं खैर मकदम करता हूँ कहीं दिनों के बाद एक्चुअली हम कहीं गए हुए थे कोई हमारा एक कंसेंटमेंट थी जिसको हमें पूरा करना था तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया तो आज मैं आप लोगों के सामने फिर हाजरे खदमत हुआ हूँ अपने वही दो सवाल लेके जो मैं हर रोज़ आपके रूबरू होता हूँ इससे तो पहले कि हम आज के सवाल हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को आपने शेयर भी किया और इसमें पार्टिसिपेट भी किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई तो मेरी आज भी यही रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेके इस कुरानी मजीद को हासिल कर सकें यह आज जो कुरानी मजीद हमारे पास आया है ये एक मेरा दोस्त है जिसने नया काम स्टार्ट किया है उसने मुझे बोला कि अलताफ़ साहब आप मेरी तरफ़ से भी एक कुरान शरीफ़ हदीये के तौर पे दिया करें और दुआ की दरख्वास्त करें नया काम शुरू किया है तो उन्होंने ये कुरान शरीफ़ हमें हदिया के तौर पे दिया है तो जो हमें दो सवालों के जवाब देंगे उसको हम ये हदीये के तौर पे कुरान शरीफ देंगे भी तो दुआ है आप आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मेरे दोस्त के लिए आप दुआ करें तो आज हजब मामूल में वो दो सवाल लेके फिर हाजिर हुआ है पिछले सवालत के जो विनर हैं उनसे गुजारिश है कि वो जब चाहें हमारे ऑफिस आ सकते हैं किसी का अगर रह गया है तो हमारे से रबता कर सकता है नाइन फोर वन नाइन ट्रिपल ज़ीरो टू ज़ीरो सेवन पे तो उनको हम वो क़ुरान शरीफ जिनका हमारे पास रहा है वो ले सकते हैं तो हमारा इंस्टा पे भी एक प्रोग्राम चलता है जो फोटो की सूरत में हम हर जहर नमाज में अपलोड करते हैं और उसके बाद इशा के बाद उसकी अनाउंसमेंट करके वहाँ पे भी हम इनामत देते हैं तो आज सवालात के सवालात लेके मैं फिर आपके ख़दमत में हाज़िर होता हूँ आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि कुरानी पाक के किस सूरत को अरसुल क़ुरान कहते हैं ये है आज का पहला सवाल कुरान पाक के किस सूरत को अरसुल कुरान कहते हैं यह है आज का पहला सवाल दूसरा सवाल है कुरान मजीद का नाम कुरान पाक किसने रखा है कुरान मजीद का नाम कुरान पाक किसने रखा है ये है आज के हमारे दो सवाल जो हजब मामूल हम आपकी खदमत में रख रहे हैं तो आप सभी नाजरन से गुजारिश हैं कि आप इन दो सवाल के जवाब दे के इस प्यारे से डिजिटल कुरान शरीफ को हासिल करें ये हैं आ, हमारे दोस्त ने जो हमें हदिया के तौर पे दिए हैं तो और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करके इस कुर मजीद को हासिल कर सकें इन ये प्रोग्राम जो हमने ये कुरान शरीफ का ये लिया है तो उम्मीद है कि इसको हम रमज़ान के बाद भी हर जुमा कंटिन्यू करेंगे चाहे स्टडी से करें या बाहर जाके करें किसी लाइव में लाइव के दौरान ही करें तो कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये आज के हमारे दो सवाल हैं जो हमने आपसे पूछा कुरान पाक के किस सूरत को अरसुल कुरान कहते हैं और दूसरा सवाल है कुरान मजीद का नाम कुरान किसने रखा है ये है आज के हमारे दो सवाल जिनको आपके जवाब देने हैं तो पहला सवाल है कुरान पाक के किस सूरत को अरसुल कुरा, अरसुल कुरान कहते हैं दूसरा कुरान मजीद का नाम कुरान किसने रखा है ये आज के हमारे दो सवाल हैं जिनको आपको जवाब देने हैं जवाब देने वाले को हम ये कुरान शरीफ़ हदीये के तौर पे दे देंगे उनके जवाब के बदले तो इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसमें पार्टिसपेट करें एक जवाब हमारे पास आया है ये है हारून शेयर करना नाम एक जवाब हमारे पास आया है मैं फिर से सवाल दोहराऊंगा कुरान पाक के किस सूरत को अरसुल कुरान कहते हैं यह है आज का पहला सवाल दूसरा सवाल है कुरान मजीद का नाम कुरान किसने रखा है यह है आज का दूसरा सवाल तो जवाब देने वाले को हम कुरान शरीफ हदीये के तौर पे दे देंगे लाइव के दौरान भी आप जवाब दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अपने जवाब के दे सकते हैं ताकि अगर हमें लाइव के दौरान जवाब मिलता है तो हम उसका विनर का नाम भी अनाउंस करें अगर नहीं मिल रहा है तो कल कुरंदाजी के दौरान भी उसका जवाब हम दे देंगे तो ये है आज का प्रोग्राम इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा जादस शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस प्रोग्राम को देखें और इसमें पार्टिसिपेट करके इस क़ुरान शरीफ को हासिल कर सकते हैं तो ये है आज का प्रोग्राम आज के हमारे दो सवाल जिनके आपने जवाब ये हैं आज के हमारे दो सवाल जिनके आपको जवाब देने हैं कल विनर का नाम इसी वक्त अनाउंस करेंगे तब तक के लिए अल्लाह नगवान